देश के इस संघर्ष की घड़ी में, लॉकडाउन की अवधि में, डाक विभाग और डाक सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में जी लिया गया है। आज हम पूरे उत्तर बिहार में और खास करके मुजफ्फरपुर प्रमंडल में विशेष रूप से, चूंकि मैं यहाँ यहीं अवस्थित हूँ, तो दो तीन तरह से हम लोगों को सुविधा पहुँचा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी जो सुविधा है वो है कि सबों के पास अपना पैसा होते हुए भी कैश की दिक्कत है, उसके लिए हम लोग एक आधार आधारित पेमेंट्स की सुविधा है, AEPS कहते हैं इसको, जिसमें आपका भारत के किसी भी बैंक में, किसी भी भारत के कोने में अगर आपका खाता है और आपने अगर आधार उसमें इनेबल करा रखा है, सीड करा रखा है, तो हम लोग घर पर जाकर और अपने मोबाइल के थ्रू AEPS के माध्यम से हम उनको 10,000 रुपये तक डिस्बर्स कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर जिले में मैं आपको बताऊं कि मार्च के अंदर में हमने करीब 7,000 रुपये से ऊपर ट्रांजैक्शन और 7 करोड़ रुपये से ऊपर ज़्यादा का डिस्बर्स किया है। ये राशि सिर्फ AEPS के माध्यम से, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपका बैंक आपके द्वार, दुनिया इंडिया के सारे बैंक आज जनता के घर तक हम पहुंचा रहे हैं IPPB के AEPS के सुविधा के माध्यम से। इसके साथ में हम EMO, जो जिनके कहीं से भी लोग EMO बुकिंग कर रहे हैं, हम घर तक EMO के द्वारा उनको पैसा डिस्बर्स कर रहे हैं। हम नॉर्मल जो POSB, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की सुविधा है, उसके थ्रू जो भी जनता हमारे पास आ रही है, हम उनको बिल्कुल कैश मुहैया करा रहे हैं। कैश की कोई भी किल्लत नहीं है। RBI से हमें डायरेक्शन है कि जब भी कैश की हमें आवश्यकता हो, वह स्पेशल अरेंजमेंट से हमें कैश देने को तैयार है। इसलिए ना कोई कैश की दिक्कत है और ना हम लोग कहीं पीछे हैं। जिनको भी ज़रूरत है पैसे का, अगर वो हमें भी अगर एक फ़ोन कर दें या हमारे किसी भी डाक जो अधिकारी हैं उनके नंबर पे, या जो हमारे IPPB के अधिकारी हैं उनके नंबर पे, या उनके घर के पास जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसके माध्यम से अगर वो एक सूचना हमें फ़ोन पर दें, हम उनके पास उपस्थित रहेंगे। 10,000 रुपये तक उनकी राशि को, अगर आधार सीडेड उनके पास अकाउंट है, इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी बैंक में। क्या परिचय हो गया सर आपका? मेरा, मैं अशोक कुमार हूँ और मैं उत्तर बिहार क्षेत्र का पोस्टमास्टर जनरल हूँ।